अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इसकी होल पावर -2। तो इसका हमने रेसिप्रोकल जो है मालूम करना है। तो रेसिप्रोकल का जो अल्टरनेटिव वर्ड है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, इसका सेम मीनिंग है। तो अब हम रेसिप्रोकल इसका फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा इसको करने से पहले मैं आपको इसकी क्लेरिफिकेशन भी दूंगा और साथ इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, जो एक स्टेप में आप इंशाल्लाह इसका रेसिप्रोकल ऐसी टर्म्स का निकाल सकेंगे। तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इसका जो रेसिप्रोकल का जो कंसेप्ट है उसको पहले क्लियर कर दूँ। तो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए तो उसको हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं। अब जैसे 3 और 1/3 इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये है कि 3 और 1/3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। चलें एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 3/5 और इसको अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको चेक करें, 5 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 और 5/3 दोनों एक दूसरे के इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हैं। तो आंसर जो है वो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आएगा, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होंगे। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया रेसिप्रोकल का। अब मैं आपको आपका जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसको करके तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। चलें जी, अब 3/5 इसका हमने रेसिप्रोकल जो है वो फाइंड करना है, लेकिन अभी मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई जो है वो करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 और इसकी पावर 2। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है इसको आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जस्ट मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि 3/5 की बजाय मैंने 5/3 लिखा है और जो पावर है -2 की बजाय क्या होगी, अब +2 हो जाएगी, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ये उस वक्त करते हैं जब आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को चेंज कर दें। अभी मैं रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर रहा, अब याद रखना है आपने, मैं जस्ट आपको इसका कंसेप्ट देने के लिए इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर रहा हूँ। अब हम 5 का स्केयर लें तो ये आ जाएगा 25 और 3 का स्केयर लें तो ये आ जाएगा 9। यानी इसको एक स्टेप अगर आप और करें, 5 का स्केयर अलग कर दें और 3 का स्केयर लग कर दें तो ये आ गया 25/9। तो ये अभी जस्ट मैंने इसको सिंपलीफाई किया है और सिंपलीफाई करके ये जो नंबर है वो इसके इक्वल आ गया। अब इसका जो रेसिप्रोकल वो फाइंड करना हमारे लिए इजी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो 3 है तो 1/3, इसी तरह 5/2 है तो 2/5 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब 25/9 है तो इसका रेसिप्रोकल 9/25 हो जाएगा। चले जी, अब मैं इसको लिखता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ 25/9 बजाय हम इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करने के हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, ये हमारे लिए इजी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 है तो ये आ जाएगा 9/25। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल ऑफ 25/9 जो है वो क्या होगा, 9/25। अब हम इसको दोबारा पावर की सुर में लिखते हैं, 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर और 25 जो है इसको लिख सकते हैं 5 का स्केयर और इसके बाद 3/5 और इसका होल स्केयर। तो अब हमारे पास जो आखिरी रिजल्ट आया वो ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ 25/9 इज इक्वल टू 3/5 का स्केयर। अभी जो हमने रिजल्ट निकाला था कि ये जो नंबर है इसको हमने इसके इक्वल जो है वो पीछे कैलकुलेट कर लिया है कि ये वाला नंबर जो है 25/9 के इक्वल है। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25/9 की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर जो है वो लिखेंगे। तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 3/5
और इसकी पावर माइनस टू, और आंसर क्या आ गया इसका 3/5 और इसका स्क्वायर। तो ये हमने जो मतलूबा नंबर आपको दिया गया था उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। तो 3/5 इसकी होल पावर माइनस टू, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो 3/5 और इसकी पावर टू। अब दोनों में ज़रा कंपेयर करें तो क्या चेंज आई है, 3 और 3 न्यूमिनेटर के तौर पर वैसे ही है, यानी इस नंबर में अंदर कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ पावर का साइन चेंज हुआ है, तो माइनस टू है तो ये प्लस टू हो गया, तो ये इसका रेसिप्रोकल। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ, तो एक स्टेप में इंशाल्लाह आप इस तरह के क्वेश्चन का नंबर्स का जो है वो रेसिप्रोकल फाइंड कर सकेंगे। तो करना हमने ये था रेसिप्रोकल, ऑफ 3/5 और इसकी पावर 2, इसका हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 और इसका स्क्वायर माइनस 2 पावर। तो जस्ट आपने क्या करना है, 3/5 एज इट इज़ लिखना है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर उसी तरह लिख दें, और सिर्फ आपने पावर का साइन चेंज करना है बस, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये माइनस टू है तो प्लस टू आ जाएगा। तो ये आ गया इसका शॉर्टकट मेथड, कि जो नंबर दिया गया है आपने सिर्फ उसकी पावर का साइन चेंज करना, अगर फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर के साथ कोई नंबर दिया गया और उसका रेसिप्रोकल निकाल लाओ। चलिए एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने 2/7 इसका पावर है 3, इसका आपने रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 2/7 एज इट इज़, और जो पावर है वो माइनस 3 है तो ये प्लस 3 आ जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल और लेने, 4/9 और इसकी पावर जो है 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/9 और इसकी पावर -5 आ जाएगा, यानी पावर का सिर्फ साइन चेंज करना है आपने बस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो जो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो वो दूसरा भी उसका पहले वाले का रेसिप्रोकल होता है। चलिए मैं अब आपके इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ कि क्या आपका जो रेसिप्रोकल निकाला आपने वो ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आए, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है, अगर आता है तो फिर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। चलें जी, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 और इसकी पावर माइनस 2 और इसको दूसरा नंबर है 3/5 और इसकी पावर 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हुए अब आप जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसका यूज़ करते हुए, 3/5 है इसको आप 5/3 लिख दें और पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये 3/5 एज इट इज़, क्योंकि हमने पावर को पॉजिटिव कर दिया। अब हम 5/3 इंटू 3/5, क्योंकि दोनों की पावर 2 है तो इसको हम कंबाइन करके पावर 2 लिख सकते हैं। अब 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर, और 1 का स्केयर जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो अब देख लिया हमने कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा क्या आ गया, 1। इसका मतलब ये कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हासिल हो सकें। बहुत शुक्रिया।